हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके बारे में तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, फिर भी आज यहाँ पे है तो हम लोग पढ़ते हैं। कह जा रहा है कि हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट और अ पिकनिक, यू माइट हैव श्योरली गोन टू अ पार्क इफ यू लिव इन अ सिटी, और टू अ मैंगो ग्वावा और कोकोनट ऑर्चर्ड इफ यू लिव इन अ विलेज। तो कहा जा रहा है कि हम लोग आसपास कहीं पार्क में जाते हैं या फिर कोई बगीचा में जाते हैं। शहर के लोग रहते हैं तो पार्क में जाते हैं, गांव में बगीचा वगैरह होता है, या फिर कभी जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं। हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द प्लांटेड वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में क्या अंतर होता है? जैसे नेचुरल वेजिटेशन कहाँ हो गया, जो जंगल वगैरह हो गया। प्लांटेड वेजिटेशन क्या हो, जो बगीचा है, पार्क है, सब प्लांटेड वेजिटेशन है। द सेम वैरायटी में बी फाउंड ग्रोइंग इन द वाइल्ड इन द फॉरेस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन एंड सेम ट्री बी प्लांटेड ओनली इन गार्डन ह्यूमन सुपरविजन। क्या कह रहा है कि एक ही प्लांट जो है वाइल्ड में भी पाया जा सकता है, जंगल में भी पाया जा सकता है नेचुरल कंडीशन में, और एक ही प्लांट को जो है ह्यूमन सुपरविजन में, मतलब आदमी अपने देख रेख में भी उसको रोप सकता है उस प्लांट को, मतलब कि वहाँ पे, ठीक है, अपने बगीचे में। नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू अ प्लांट कम्युनिटी डेट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर ओवर लॉन्ग टाइम। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लांट जो काफ़ी समय से आदमी के द्वारा अनडिस्टर्ब्ड है, तो उसी को नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो, रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी डेट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पेसिस टू एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन एज द फुल एज पॉसिबल। तो कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऐसे प्लांट कम्युनिटी को बोलते हैं जो काफ़ी समय से आदमी के द्वारा अनडिस्टर्ब रहा है, ताकि उसका जो स्पीसीज है, जो उसका जो बाकी स्पीसीज है, अपने आप को एडजस्ट कर सके क्लाइमेट के प्रति या सॉइल कंडीशन के प्रति जितना पॉसिबल हो। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया जो है यहाँ पे काफ़ी तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन, हिमालय में टेम्परेट वेजिटेशन है। वहीं वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेल्टा रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और मैंग्रोव से वहाँ पे डेजर्ट में डेजर्ट और सेमी जो राजस्थान के वहाँ पे एरिड वेजिटेशन है, यहाँ कैक्टस या फिर कई तरह के थॉर्नी वेजिटेशन उगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्या कह रहा है कि क्लाइमेट में वेरिएशन के आधार पर, ठीक है, जो वेजिटेशन इंडिया का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चेंज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजंस, इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। तो ये सब के आधार पे, वेजिटेशन के आधार पे, क्लाइमेट रीजन के आधार पे इंडियन फॉरेस्ट को कैसे कैसे बांटा गया है यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट के इलाके में है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में है। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटोरल और स्वॉम्प फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के इतने पांच तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप पे हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एरिया में ये सब पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। तो वार्म और ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं विथ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर एंड मीन टेम्परेचर ओवर 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और जहाँ पे एनुअल टेम्परेचर जो है 22 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल्स स्ट्रेटिफाइड विथ लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ श्रब्स एंड क्रीपर्स। क्या करें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके जमीन के मैंने आसपास भी काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे पेड़ होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, श्रब्स होते हैं विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाई टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज। वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले ट्री भी होते हैं, उसके अलावा टॉल वैरायटी वाले भी ट्री भी होते हैं। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर अबव। ऐसे ट्री में जब ऐसे फॉरेस्ट में जो पेड़ है 60 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। देर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्री टू सेट देयर लीव्स। और ट्री को अपना पत्ता गिराने के लिए कोई डिफिनिट टाइम यहाँ पर नहीं है। फ्लावरिंग एंड फ्लोटेशन एज दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल अराउंड द ईयर। इस कारण से क्या होता है कि ये जंगल जो है सालों भर हरा भरा दिखाई देता है। स्पेसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर इंक्लूड रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी, ये सब स्पेसीज इस एरिया में पाए जाते हैं। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन। यही सब इलाका जो अंडमान निकोबार था, वेस्टर्न घाट था, नॉर्थ ईस्ट था, उसी इलाके के जहाँ कम पानी होता है, जहाँ कम बारिश होता है, लेस रेनी पार्ट है, ठीक है। सच फॉरेस्ट और मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसीडियस। ऐसे जो फॉरेस्ट है उसमें मिक्सचर पाया जाता है एवरग्रीन का और मॉइस्ट डेसीडियस का। द अंडर ग्रोइंग क्लाइमर प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। तो जो नीचे के जो क्लाइंबर हैं, जैसे जो जमीन के सरफेस के आसपास जो क्लाइंबर हैं, इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन कैरेक्टर देते हैं। मेन स्पेसीज आर व्हाइट सेदार, हॉलॉक, केल, ये सब इस एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे नेचुरल वेजिटेशन का टाइप दिखाया गया, तो जहाँ पे डार्क कलर वाला आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे थोड़ा सा, फिर अंडमान निकोबार में, और इधर इतना दूर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन इलाके में पाया जाएगा, तो उत्तराखंड हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इस इलाके में पाया जाएगा जहाँ पे मरुस्थल वाला इलाका है, फिर जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होता, जैसे इस इलाके में बारिश ज़्यादा नहीं होता है, रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है।
ट्रॉपिकल डेसीडियस इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसीडियस ही हम देख सकते हैं, पूरा एरिया ट्रॉपिकल डेसीडियस के अंदर आता है, ठीक है। और लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट की बात करें तो डार्क ब्लैक में है, तो यहाँ पे जो समुद्र किनारे जो इलाका होगा, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे चिल्का लेक के आसपास, फिर यहाँ पे सुंदरबन का इलाका होगा, ये हो गया उस वाले फॉरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये यह है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द ब्रिटिश वेयर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फॉरेस्ट इन इंडिया, हेंस लार्ज स्केल एक्सप्लोटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट वाज स्टार्टेड। क्या करेगा, ब्रिटिश लोगों को इंडिया का इकोनॉमिक वैल्यू, इंडिया के फॉरेस्ट का इकोनॉमिक वैल्यू पता चल गया था, इसलिए बड़े स्केल पे इन फॉरेस्ट का एक्सप्लोटेशन चालू हुआ। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वाज ऑल्सो चेंज, यहाँ तक इसके कारण से क्या हुआ कि फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं वेयर रिप्लेस्ड बाई पाइन व्हिच वर नीडेड बाई ले रेलवे लाइन्स। क्या कह रहा है कि गढ़वाल या कुमाऊं का जो इलाका था, मतलब उत्तराखंड हिमाचल का जो इलाका था, ठीक है, वहाँ पे पहले ओक का ट्री पाया जाता था, उसको रिप्लेस किया गया, उसको कटवा करके वहाँ पे पाइन का ट्री लगवाया गया। पाइन को हिंदी में चीर बोलते हैं, उसका पेड़ लगवाया ताकि जो रेलवे बिछाने में जो बीच में पटरी यूज किया जाता था, इसको जो स्लीपर बोलते हैं, जैसे दोनों तरफ जो लोहा वाला पटरी होता है उसके बीच में लकड़ी जो ज्वाइंट दोनों करने, उसको स्लीपर बोला जाता है। आजकल सीमेंट का आता है, उसके पहले लोहा का आता था और सबसे पहले लकड़ी का आता था, तो उसके उगाने में पाइन ट्री का यूज़ किया जाता था, इसलिए उसको वहाँ पर रोपाया गया। फॉरेस्ट वाज आल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, यहाँ पर तो जंगल को साफ करके टी का प्लांटेशन, रबड़ और कॉफी का प्लांटेशन वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया। द ब्रिटिश आल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एडजेक्ट एंड इंसुलेटर ऑफ इट। क्या करें कि ब्रिटिश जो है इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी यूज करते थे, घर बनाने में यूज करते थे। द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज दस रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल, यानी कि पहले जो फॉरेस्ट का यूज है प्रोटेक्शनल यूज किया जाता था, प्रोटेक्शन मतलब कि जंगल लगाया था ताकि दुश्मन जो है दूसरे कंट्री से इंडिया में ना आ पाए, या फिर जानवर लोग उधर ही जंगल में रहे, इधर नहीं आ पाए ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ, ठीक है। वो अब फॉरेस्ट जो है कमर्शियल यूज के लिए होने लगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर, तो 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होता है, ठीक है, वैसे इलाके में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइड मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस, कह रहा है पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर इस फॉरेस्ट को फिर से दो पार्ट में बांटते हैं, मॉइस्ट डेसीडियस और ड्राई डेसीडियस, ठीक है। द मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस्ड रीजन विच रिकॉर्ड 100 to 200, जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर का बारिश होता है उसको मॉइस्ट डेसीडियस बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, क्या करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी ये पाए जाते हैं, हिमालय के फुट हिल में जो बिहार यूपी का इलाका है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे, तो याद रखें वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और ईस्टर्न स्लोप पे मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। और उड़ीसा में पाया जाता है टीक, साल, सीसम, हुरा, महुआ, आमला, ये सब जो है सैंडलवुड मेन स्पेसीज है ये सब फॉरेस्ट का। ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट कवर वास्ट रीजन ऑफ द कंट्री, ड्राई डेसीडियस भी एक बड़ा सा रीजन में कवर करता है, 70 to 100 सेंटीमीटर जो हिस्सा जहाँ पे बारिश होता है वहाँ पे ड्राई डेसीडियस पाया जाता है। ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज ट्रांसलेशन ऑफ मॉइस्ट डेसीडियस, क्या कह रहा है कि जैसे ड्राई डेसीडियस और मॉइस्ट डेसीडियस के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे इधर से ड्राई डेसीडियस है, यहाँ से मान लें मॉइस्ट डेसीडियस, तो बीच में जो होता है एक जोन बनता है जहाँ पे मॉइस्ट और ड्राई डेसीडियस दोनों तरह के ट्री पाए जाते हैं, वहीं इसका जो ड्राइयर मार्जिन होगा, ड्राइयर मार्जिन मतलब कि जहाँ से मैप में वापस आते हैं, तो जैसे मॉइस्ट डेसीडियस है ये जो है डेसीडियस पूरा डेसीडियस का बाउंड्री है, तो मान लीजिए कि इसमें कहीं यहाँ पे बाउंड्री होगा, ऐसे होगा बाउंड्री, ये हो गया ड्राई डेसीडियस, ये हो गया मॉइस्ट डेसीडियस, तो ड्राई डेसीडियस के मॉइस्ट डेसीडियस वाले बाउंड्री पे एक ट्रांजिशन जोन होगा, है ना, वहीं इधर भी एक होगा जिसमें ड्राइयर रीजन वाले पोर्शन पे, तो इधर थॉर्नी बुशेज उगेंगे, यहाँ पे मॉइस्ट डेसीडियस वाले पेड़ उगेंगे, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट का लास्ट वेराइटी। ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम मॉइस्ट डेसीडियस, वेटर मार्जिन पे मतलब जिधर जो है पानी ज़्यादा होता है उधर वहाँ पे मॉइस्ट डेसीडियस पाया जाएगा, जहाँ पे पानी कम होता है ड्राइयर मार्जिन पे तो वहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरिया ऑफ पेनिनसुला, तो ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो पेनिनसुला के रेनियर एरिया में जहाँ पे बारिश होता है। द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स इलाके में, इन द हायर रेनफॉल रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, दिस फॉरेस्ट हैव पार्कलैंड लैंडस्केप विथ ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक एंड अदर ट्रीज इंटरस्पर्स विथ पैचेज ऑफ ग्रास और कॉमन। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए तो इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू का जो हायर रेनफॉल रीजन है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू का जो हायर रेनफॉल रीजन है और नॉर्दर्न इंडिया प्लेन में, दिस फॉरेस्ट है पार्कलैंड लैंडस्केप विथ ओपन स्ट्रेच इन विच टीक एंड अदर ट्रीज पैचेज ऑफ ग्रास और कॉमन। तो क्या करें कि ये ट्री जो है इनके साथ साथ बहुत सारे तरह तरह के घास भी उगते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे भी उगते हैं,
एज द ड्राई सीजन बिगिन द ट्री शेड द लीव, जैसे ही ठंडा का मौसम स्टार्ट होता है पेड़ अपना पत्ता गिरा देते हैं, और फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ वास्ट ग्रासलैंड विच नेक्ड ऑल ट्री ग्राउंड अराउंड. क्या कह रहे हैं, तो और पूरा फॉरेस्ट जो है बड़ा ग्रासलैंड की तरह दिखता है, जहाँ के चारों तरफ बिना पत्ता के पेड़ दिखाई देते हैं. तेंदू पलास, ठीक है, तेंदू लीफ जिससे जो है बीड़ी बनाया जाता है, पलास पलास के फूल से जो है गुलाल बनाया जाता है, अबीर जो हम लोग यूज करते हैं, बेल खैर एक्सल वुड ये सब पेड़ इधर पाए जाते हैं, कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन कवरेज वेरियस कंट्री ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग. और क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर वेजिटेशन कवर जो है काफ़ी कम है, स्कैंटी है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी लो होता है, ओवरग्रेजिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अगर इन द एरिया बीच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है. दिस कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रासेज एंड सर्व्स, इसमें क्या होता है कई तरह के ग्रासेज और सर्व्स पाए जाते हैं. इट इंक्लूड सेमी एरिड एरिया ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश. तो क्या करें कि इसमें सेमी एरिड एरिया आते हैं, जैसे पंजाब के साउथ वेस्ट पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का इलाका हो गया. इन दिस फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, इस एरिया में क्या होता है कि जो पत्ता है, मतलब कि प्लांट जो है उसका पत्ता साल के बड़े हिस्से तक पेड़ पे नहीं रहता है, यानी कि जो प्लांट है लीफलेस रहता है साल के बड़े हिस्से में. एंड गिव एन एक्सप्रेशन फॉर स्क्रब वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर बबूल, बेर, वाइट डेड पाम, खैर, नीम, ये सब इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे ग्रास उगता है जिसको टस्की ग्रास बोलते हैं, जो 2 मीटर के हाइट तक उग सकता है. यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एग्जांपल दिखाया जा रहा है. नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि माउंटेनियस फॉरेस्ट, तीन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड. क्या कह रहा है कि माउंटेनियस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट बढ़ने के कारण, लीड्स टू कॉरस्पेंडिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन. इस कारण से क्या होता है कि चेंज होता है नेचुरल वेजिटेशन में. माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, माउंटेन फॉरेस्ट को दो तरह से बांटते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, एक जो हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट है और दूसरा साउथ इंडिया में जो माउंटेन है. द हिमालयन इज शॉर्ट ए सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा. क्या करें कि हिमालयन रेंज में देखा जाए तो एक सक्सेशन होता है वेजिटेशन का, नीचे ट्रॉपिकल होता है, उसके ऊपर टेम्परेट होता है, उसके ऊपर टुंड्रा वेजिटेशन हिमालय में चला आता है. विद चेंज इन एल्टीट्यूड, हाइट में चेंज होने के कारण, डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय. क्या करें कि हिमालय के फुटहिल में जो है डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है. इट इज सक्सेडेड बाई विद टेम्परेट फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1,000-2,000 meters. तो क्या करें कि 1,000 से 2,000 meters ऊपर जाने पे टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट मिलता है. इन द हायर रेंज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हिली एरिया वेस्ट बंगाल उत्तरांचल एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट्स आर प्रोडोमिनेंट. तो हायर हिल रीजन की बात किया जाए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, या फिर हिली एरिया की बात किया जाए वेस्ट बंगाल उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के हिली एरिया की, वहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज पाए जाते हैं जैसे ओक और चेस्टनट. बिटवीन 1500 to 1750 meters पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन विथ चीर पाइन इज वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री. देवदार आ हाईली वैल्यूड इंडेमिक स्पीसीज ग्रो मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय. देवदार जो है काफ़ी एक इंडेमिक स्पीसीज है और काफ़ी वैल्यूड है, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से काफ़ी महंगा बिकता है. अरे इंडेमिक स्पीसीज, इंडेमिक मतलब किसी के एक खास एरिया में उगता है, ठीक है. इंडेमिक का मतलब होता है कि किसी एक खास एरिया में उगता है जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में उगता है, ठीक है. देवदार इज ड्यूरेबल वुड मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. क्या करें, देवदार जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लाइफ टाइम ड्यूरेबल का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलने वाला, ठीक है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं. सिमिलरली द चिनार एंड द वालनट यूज सस्टेन फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट बिलोंग टू दिस जोन. उसे चिनार से और वालनट से वहाँ के हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं जो उस एरिया काफ़ी फेमस है. ब्लू पाइन एंड स्प्रस अपीयर एट एल्टीट्यूड ऑफ 2,225 to 3,043 meters एट मेनी प्लेसेज इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड. क्या करें कि इस प्लेसेज में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं. इन द हायर रीचेज देयर ट्रांजिशन ऑफ अल्पाइन फॉरेस्ट एंड पास्चर्स. क्या करें, और ऊंचाई पे जाने पे एक ट्रांजिशन फेज आता है, मतलब चेंज होता है, टेम्परेट जो है अल्पाइन फॉरेस्ट और पास्चर में चेंज हो जाता है. पास्चर यानी कि चारागाह जहाँ पे जानवर चराया जाता है. सिल्वर फर्स, जूनिफर्स, पाइंस, बर्च एंड रोडोडेंड्रोन्स ईटीसी अकर बिटवीन 300 to 4,000 meters. हाउएवर दिस पास्चर्स आर यूज एक्सटेंसिवली बाय द ट्रांस ह्यूमंस फॉर ट्राइब लाइक गुजर. क्या रहे, पास्चर जो है जैसे गुजर, बकरवाल, भोटिया, गद्दी, ए ट्राइब के द्वारा यूज किए जाते हैं. द सदर्न स्लोप, ये सब ट्राइबल हैं वहाँ पे जो रहते हैं, गुजर, बकरवाल. बकरवाल मेनली कश्मीर में पाए जाते हैं, भोटिया जो है उत्तराखंड वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है. उसे गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं. द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय कैरी अ थिकर वेजिटेशन कवर बिकॉज ऑफ वैरायटी रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन देन ड्राइयर नॉर्थ फेसिंग स्लोप. तो क्या कह रहा है कि हिमालय का जो सदर्न स्लोप है, मतलब इंडिया की तरफ का स्लोप है, हिमालय का सदर्न स्लोप मतलब इंडिया की तरफ का स्लोप, और नॉर्दर्न स्लोप मतलब नेपाल या फिर चाइना की तरफ का स्लोप है. तो हिमालय का जो सदर्न स्लोप है
वहाँ पे प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे बारिश थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्दर्न के मुकाबले, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा है। एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेज एंड लाइकेंस आर फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। क्या करें कि हायर एल्टीट्यूड पे टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है, हिमालय में काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है, कहने वाले हिमालयन रेंज में ही। हिमालय रेंज की बात करें तो फुट हिल्स पे ट्रॉपिकल रोन फॉरेस्ट है, थोड़ा ऊपर जाने पे टेम्परेट है, उसके ऊपर जाने पे टुंड्रा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट अराउंड फाउंड इन थ्री डिस्टिंक्ट एरिया पेनिनसुलर इंडिया। क्या करें कि साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में क्या है, तो इसमें तीन मेन इलाके हैं, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में, वेस्टर्न घाट, विंध्य और नीलगिरी, ठीक है। एज दर क्लोजर टू द ट्रॉपिक ओनली एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स। क्या कह रहा है कि जैसे माउंटेन पे यही होता है, नीचे पे कोई और फॉरेस्ट होता है, अधिकांशतः ट्रॉपिकल होता है, बीच में टेम्परेट, ऊपर जाने पे टुंड्रा बनता है, लेकिन इसका हाइट काफ़ी कम है और ट्रॉपिक्स के काफ़ी नज़दीक है, है ना, ट्रॉपिक्स के काफ़ी नज़दीक है, इक्वेटर काफ़ी नज़दीक है, और 1500 मीटर ही मात्र हाइट है। इसके कारण से इसके ऊंचाई पे जाने पे भी टेम्परेट फॉरेस्ट ही मिलते हैं एंड सब ट्रॉपिकल इन द लोअर रीजन स्पेशल इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोला इन द नीलगिरी। टेम्परेट फॉरेस्ट को सोला बोलते हैं नीलगिरी में। अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स, ये तीनों जगह सोला बोलते हैं। सम ऑफ द अदर ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड मंगोलिया, मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, ये सब जो है इस एरिया के फेमस ट्री हैं जो इकोनॉमिक यूज के भी हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सतपुरा एंड मैकाल रेंज, और इसी तरह के फॉरेस्ट भी सतपुरा और मैकाल रेंज में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में, मतलब जो दलदल वाला इलाका में जो फॉरेस्ट होता है। इंडिया इज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड हैबिटेट। वेटलैंड उस जगह को बोलते हैं जो साल के कई हिस्से तक पानी में डूबा रहता है, ठीक है। अबाउट 70% ऑफ द कंप्राइजेज एरिया अंडर पैडी कल्टिवेशन। क्या करें कि जो वेटलैंड है उसका 70% तो पैडी कल्टिवेशन ही है। द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर। क्या करें कि इंडिया में टोटल एरिया देखा जाए वेटलैंड का तो 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। टू साइड चिल्का एंड केवलादेव आर प्रोटेक्टेड वाटरफॉल हैबिटेट अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो हालांकि यहाँ पे दो ही साइट नहीं बल्कि और साइट है, एक वेटले रामसर कन्वेंशन है, ठीक है। रामसर एक ईरान का सिटी है, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, उसके आधार पे हर एक कंट्री को डिसाइड करना होता है कि कौन सा वेटलैंड उसके कंट्री के नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कन्वेंशन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया है, तो यहाँ पे मेनली दो साइट है, यहाँ पे चिल्का लेक एंड केवलादेव। हालांकि चिल्का लेक को अभी इसमें हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले साइट में से चिल्का लेक को हटा दिया गया, बस केवलादेव है। तो एक्चुअली इसमें हटा दिया गया तो इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। जैसे लग रहा हो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड से हटा दिया गया, इसका मतलब कि इंडिया का मतलब कि ये गलत है, लेकिन ये सही है। कैसे, तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड में उसको शामिल किया जाता है जो ज़्यादा बुरी स्थिति में है। तो जैसे शुरू में देखा गया कि चिल्का और केवलादेव जो राजस्थान में है, दोनों का स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो सरकार को बोला गया कि आप इस पर कंजर्वेशन एफर्ट लगाइए। तो दोनों जगह पर कंजर्वेशन एफर्ट लगाया, जिसके कारण से चिल्का लेक कंजर्व हुआ, तो इसको जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले लिस्ट से हटा दिया गया। अब सिर्फ केवलादेव बच रहा है, तो इन फ्यूचर यदि केवलादेव का भी कंजर्वेशन होता है ठीक ठाक से, यहाँ पर भी कंजर्वेशन एफर्ट यदि काम आता है, लोग सरकार यहाँ पर जो कंजर्वेशन का काम करा रही है इस नेशनल पार्क का, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। उसी तरीके से इंडिया में अभी लगभग 38 वेटलैंड साइट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उसमें चिल्का लेक उसमें है, ठीक है, चिल्का लेक उसमें भी है। तो 38 लगभग साइट है नेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और मात्र एक साइट है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो याद रखिएगा सिर्फ केवलादेव है। द कंट्री वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इन 8 कैटेगरी। तो कंट्री का जो वेटलैंड है 8 कैटेगरी में यहाँ पे है। तो द रिजर्वायर्स ऑफ द डेकन प्लेटू इन द साउथ, तो कैसे कैसे द रिजर्वायर्स ऑफ द डेकन प्लेटू इन द साउथ टुगेदर विद द लैगून्स एंड अदर वेटलैंड ऑफ साउथ वेस्ट कोस्ट। तो लैगून जो होता है, लैगून किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे समुद्र का पानी किसी झील में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है उसको लैगून बोलते हैं। जैसे पुलिकट लेक हो गया, ठीक है, उसी तरह से चिल्का लेक हो गया, सब लैगून कहलाता है। तो रिजर्वायर्स ऑफ डेकन प्लेटू, जो डेकन प्लेटू में रिजर्वायर बनाए गए हैं साउथ इंजन में पानी कलेक्ट करने के लिए, उसके अलावा जो लैगून्स है उसको एक फर्स्ट कैटेगरी होगा। दूसरा द वास्ट सेलाइन एक्सपेंसेज ऑफ राजस्थान गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ और कच्छ राजस्थान का जो सेलाइन एक्सपेंसेज है, वहाँ पे क्या बोलते हैं नमक वाला जो पानी काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, वो दूसरे तरह का वेटलैंड है। तीसरा है फ्रेश वाटर लेक रिजर्वायर्स फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान। तो क्या करें, फ्रेश वाटर लेक गुजरात से लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश तक। द डेल्टा वेटलैंड एंड लैगून्स ऑफ इंडिया कोस्ट, जैसे चिल्का लेक हो गया। फ्रेश वाटर मार्सेज ऑफ गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन में जो मार्सेज है, मतलब कि गंगेटिक प्लेन दलदल वाला जो भूमि है जो फ्रेश वाटर का है। फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र मार्सेज एंड स्वैम्प्स इन द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जो फ्लड प्लेन्स है ब्रह्मपुत्र रीजन का, जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल आ जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और हिमालयन फुट हिल्स में। सेवन्थ नंबर है द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर, कश्मीर और लद्दाख के जो माउंटेनियस रीजन के जो रिवर और लेक है। अठवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट और अदर वेटलैंड एंड आइलैंड आर्क ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी वेटलैंड है उसको 8 तरीके में बांटा गया है, 8 क्षेत्र में बांटा गया, याद रखिएगा।
मैंग्रोव्स ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द साल्ट मार्शेज। तो मैंग्रोव्स जो है कहाँ पे उगते हैं, तो कोस्ट के आसपास उगते हैं, समुद्र के किनारे उगते हैं, जहाँ पे सॉल्टी मार्शेज होता है। टाइडल क्रीक, यानी कि क्रीक बोलते हैं जब पानी, टाइड तो बोलते हैं जब पानी मतलब कि समुद्र से उठ करके इधर चला आता है। टाइड दो तरह का होता है, लो टाइड और हाई टाइड, ठीक है। और क्रीक बोलते हैं, क्रीक तो ऐसे बोला जाता है नदी के बीचों बीच वाले हिस्से को क्रीक बोला जाता है, जहाँ पे पानी हर साल फ्लो करते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नदी का पानी 20 मीटर फ्लो कर रहा है, तो जो 10 मीटर पहले जो लाइन होगा है ना, उसको क्रीक बोलते हैं। यदि नदी का पानी गर्मी के दिन में कम होकर के 20 मीटर से घट करके मान लीजिए कि 8 मीटर पर आ गया, यहाँ आ गया, तो दोनों के बीच में 4 मीटर का जो पोर्शन होगा उसको क्रीक बोलेंगे, ठीक है। दे कंसिस्ट अ नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पेसीज। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो अधिकांशतः स्पेसीज होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, मतलब कि नमकीन पानी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नमक वाले पानी से। क्रिस क्रॉस्ड बाय क्रीक और स्टैग्नेंट वाटर एंड टाइडल फ्लो, द फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स। क्या करें, ऐसे फॉरेस्ट में कई तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। इन इंडिया द मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 6740 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 7% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो दुनिया का जितना मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका 7% इंडिया में ही पाया जाता है। ये अधिकांशतः जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में, सुंदरबन और वेटलैंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अदर एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस सर महानदी, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, महानदी में, गोदावरी में, कृष्णा डेल्टा में। दिस फॉरेस्ट टू आर बीइंग इनक्रोच्ड अपॉन एंड हेंस नीड कंजर्वेशन। कह रहे हैं कि इस जंगल को भी इनक्रोच हो रहा है, मतलब कि आदमी इसको भी काट करके यहाँ पे घर वगैरह बना रहा है, इसको कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिकॉर्ड द फॉरेस्ट कवर 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। क्या कह रहे हैं कि स्टेट रिपोर्ट यानी कि सरकारी डाटा के अनुसार 23.28% जो है टोटल लैंड एरिया का फॉरेस्ट हमारे कंट्री में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फॉरेस्ट एरिया एंड द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर नॉट द सेम। क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में। द फॉरेस्ट एरिया द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज, व्हाइल द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर द एरिया ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट विद कैनोपी। तो फॉरेस्ट एरिया में ऐसे जगह को भी इंक्लूड किया जाता है भले वहाँ पे जंगल हो ना हो, बस खाली जंगल भी है, मतलब कि खाली जमीन भी है, पेड़ हो ना हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फॉरेस्ट एरिया। तो यही कहा जाएगा फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ ट्री। तो कहा जा रहा है कि बस कागज़ पे भी यदि लिख दिया गया कि ये जमीन जो है जंगल का जमीन है, भले वहाँ पे पेड़ हो ना हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया। और जहाँ पे पेड़ हो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर बोला जाता है जहाँ पे पेड़ हो, और जो कागज़ पे जो ज़मीन है मतलब कि लिख दिया गया कि जमीन जंगल का है, अब जंगल का ज़मीन है तो उस पर पेड़ भी होना चाहिए, लेकिन पेड़ हो या ना हो उसको जंगल मान लिया गया, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट कवर बोलते हैं कि कितने एरिया पे हमारा पेड़ है, तो हमेशा फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है फॉरेस्ट कवर से, ठीक है। द फॉर्मर इज द बेस्ट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या करें, जो फॉरेस्ट एरिया है यानी कि फॉरेस्ट एरिया जो है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के आधार पर होता है, जबकि जो फॉरेस्ट कवर जो है वो बेस्ड ऑन एरियल फोटोग्राफ एंड सैटेलाइट इमेजरी। इसका जो है सैटेलाइट से इमेज लिया जाता है कहाँ कहाँ पेड़ है, इसके आधार पे होता है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.5%। तो इंडिया में यदि फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 21.5% है, वहीं फॉरेस्ट एरिया देखें तो 23% के आसपास था। तो ऑफ द फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट 12.9% एंड 8.7%। तो क्या करें कि इसमें भी देखा जाए, फॉरेस्ट कवर में देखा जाए तो डेंस और ओपन फॉरेस्ट का जो डेंस फॉरेस्ट जो है 12.29% और ओपन फॉरेस्ट 8.75% है, ठीक है। बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या करें कि दोनों जो फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर है दोनों स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। लक्षद्वीप है 0% फॉरेस्ट एरिया, लक्षद्वीप का जो फॉरेस्ट एरिया है 0% है, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। अंडमान एंड निकोबार 86.93%। मोस्ट ऑफ द स्टेट विद लेस देन 10% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया लाइन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या करें कि जहाँ पे कम फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं, दीजिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस इलाके में फॉरेस्ट एरिया कम है, 10% से कम है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा बिन क्लियर फॉर कल्टीवेशन। पंजाब और हरियाणा में जितने भी जंगल थे वो कल्टीवेशन के लिए क्लियर किए गए हैं। स्टेट विद 10-20% फॉरेस्ट आर तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो 10-20% फॉरेस्ट वाले इलाके में कौन कौन आते हैं, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, पेनिनसुलर इंडिया एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादर नगर हवेली, गोवा, द एरिया अंदर फॉरेस्ट कवर 20-30%। कर पेनिनसुलर इंडिया में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तमिलनाडु को छोड़ करके देखा जाए तो, जैसे एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादर नगर हवेली और गोवा, ये तीनों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे 20-30% के बीच में फॉरेस्ट कवर है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मोर देन 30%। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा, 30% से ज़्यादा है। हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल गुड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न में फॉरेस्ट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे टोपोग्राफी जो हिली है, वहाँ पे ज़मीन पहाड़ी इलाका है और बारिश वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। तो क्या करें कि फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, विच रेंजेस फ्रॉम 9.56% इन जम्मू एंड कश्मीर, 24.0% अंडमान निकोबार आइलैंड,
फ्रॉम द टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इट इज़ क्लियर दैट देर आर 15 स्टेट्स वेयर द फॉरेस्ट कवर इज मोर देन 1/3 ऑफ टोटल एरिया। क्या करें कि 15 ऐसे स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है स्टेट के एरिया का 1/3 से ज़्यादा है, यानी कि 33% से ज़्यादा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर द स्टेट हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 रीजन। तो फॉरेस्ट कवर के आधार पे स्टेट को 4 रीजन में बांटा गया। द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 40% से ज़्यादा है, 20-40% को मीडियम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, 10-20% लो कॉन्सेंट्रेशन, लेस देन 10 को वेरी लो। ठीक है, यहाँ पे यही है। आगे पढ़ते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा रहा है, उसके बारे में क्या प्रयास किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट हैव बीन इंट्रिकेट इंटरलेशनशिप विथ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। क्या करें, फॉरेस्ट का एक रिलेशनशिप रहा है, न टूटने वाला रिलेशनशिप रहा है एनवायरनमेंट के साथ, आदमी के साथ, यानी लाइफ के साथ। दिस प्रोवाइड न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज। तो इस ये जो है हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरह के एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं हमारे इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को। हेंस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना काफ़ी जरूरी है टू द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू हैव नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशन वाइड पूरे कंट्री में एक जैसा पॉलिसी अपनाने के लिए बोला गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाया 1952 में, जिसको आगे 1988 में मॉडिफाई भी किया गया था। अकॉर्डिंग टू न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट विल इम्फेसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू ऑर्डर टू कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट कवर। क्या कह रहा है कि न्यू पॉलिसी के अनुसार गवर्नमेंट जो इम्फेसाइज करेगा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया सके, फॉरेस्ट रिजर्व को एक्सपेंड किया जा सके, ठीक है, और लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। द पॉलिसी एम डेट ब्रिंगिंग 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो क्या पॉलिसी का सबसे पहला एम क्या है कि जो टोटल एरिया है भारत का उसका 33% एरिया जो है जंगल हो जाना चाहिए। ठीक है, बताओ कि किसी भी कंट्री में 33% एरिया मिनिमम होना चाहिए उस कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो इसके लिए 33% एरिया पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, तो दूसरा क्या टारगेट था कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब। यदि कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया वहाँ पे जंगल को रिस्टोर भी करना है। कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पुल। द कंट्री की जो जेनेटिक पुल है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, नेचुरल हेरिटेज है, उसको कंजर्व करना। चेक सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकना है। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट को रोकना है। एंड रिड्यूस द फ्लड एंड ड्राउट, फ्लड और ड्राउट को रोकना है। इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट यानी कि समाज को इंक्लूड करना फॉरेस्ट्री में, आदमी को इंक्लूड करना, आम आदमी को। एफॉरेस्टेशन करना डिग्रेडेड लैंड पे, जो जमीन कट चुका है एक्चुअली, जहाँ पे सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो गया, डिग्रेडेशन हो चुका है, वहाँ पे वापस पेड़ को रोपना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर। फिर क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि टिम्बर, फ्यूल, फॉडर ये सब निकाला जा सके रूरल पॉपुलेशन के लिए, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वीमेन टू इनकरेज प्लांटेशन ऑफ ट्री। क्या कह रहा है कि पीपल मूवमेंट जनरेट करना, मतलब लोगों को जागरूक करना पेड़ लगाने के लिए, ठीक है, पेड़ काटने से रोकने के लिए, पेड़ों पे जो प्रेशर है ज़्यादा उसको रोकने के लिए। यहाँ पे अब दिया है फॉरेस्ट एंड लाइफ, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। टू वास्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल द फॉरेस्ट इज अ होम एंड लिवलीहुड देयर वेरी एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, एक बड़े नंबर ऑफ लोगों के लिए फॉरेस्ट जो है घर है उनका, उनका लिवलीहुड है, जब से वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में उसी समय से। इट प्रोवाइड देम फूड फ्रूट ऑफ ऑल काइंड। क्या करें उनको जंगल से ही उनको भोजन मिलता है, हर तरीके का फल मिलता है, एडिबल लीव मिलता है, हनी मिलता है, नॉरिशिंग रूट मिलता है, वाइल्ड गेम मिलता है। इट प्रोवाइड देम विद मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउसेज एंड आइटम फॉर प्रैक्टिसाइजिंग देयर हार्ट। क्या करें कि इनसे क्या होता है, उनको घर बनाने के लिए मटेरियल मिलता है, और उनको अपना कला दिखाने के लिए लकड़ी मिलता है, लकड़ी पर डिफरेंट तरह का आर्ट वर्क करते हुए। द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्राइबल इकोनॉमी वेल नोन एज देयर सोर्स ऑफ सस्टेनेंस एंड लेवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। क्या करें कि जो ट्राइबल इकोनॉमी का, फॉरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए, लेवलीहुड के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए उस फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट अ ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन हारमोनी विथ नेचर एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। क्या करें कि ऐसा आम एक ट्रेडिशन है, कॉमनली बिलीव्ड है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी हारमोनी में रहता है, पीस एंड हारमोनी में रहते हैं, ठीक है, नेचर के साथ और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के साथ। आउट ऑफ अ टोटल 593 डिस्ट्रिक्ट 188 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। क्या करें कि इंडिया 593 डिस्ट्रिक्ट में 188 डिस्ट्रिक्ट जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर 59.61% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है कि कंट्री का जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसका 59.61% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से ही आता है। मेरे ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 33.63%। जबकि जो इस 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का एरिया देखा जाए तो टोटल एरिया का 33.63% है, लेकिन फॉरेस्ट कवर 59% है। इट डेमोस्ट्रेट द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स आर जनरली रिच इन फॉरेस्ट कवर। तो क्या करें कि इससे पता चलता है कि फॉरेस्ट कवर में डायरेक्ट रिच होते हैं, जो जनरली रिच होते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं,
फॉरेस्ट एंड ट्राइबल आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. फॉरेस्ट और ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं. द एज ओल्ड नोन ऑफ ट्राइबल रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री कैन बी यूज इन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट. क्या कह रहे हैं कि जो उनका ट्राइबल का जो फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग जो नॉलेज है उसका यूज करके हम लोग आज भी जंगल को बढ़ा सकते हैं. रैदर देन ट्रीटिंग ट्राइबल एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर दे शुड बी मेड ग्रोवर्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन. क्या कह रहे हैं कि आज जो ट्राइबल लोगों को देखा जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर के रूप में, मतलब कि जंगल से जो ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिससे पेड़ को कोई हानि नहीं होता उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं. तो कहा जाता है कि आज जो है देखा जाता है इन लोगों को जो ट्राइबल होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने वाले के रूप में, लेकिन अब ज़रूरत है कि इनको जो है देखा जाए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ग्रोवर के रूप में, है ना, उनके ग्रोवर के रूप में, और इनको इनकरेज करना चाहिए कंजर्वेशन में. आगे भी पढ़े हम लोग तो बेस्ड ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी द फॉलोइंग स्टेप्स आर इनिशिएटेड. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी को इनिशिएट किया गया कैसे, तो सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री मींस द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट. क्या करें, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है फॉरेस्ट को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करना बैरन लैंड पे जो खाली जमीन है, जो बंजर जमीन है उस पर एफॉरेस्टेशन करना विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंट, ताकि उससे एनवायरमेंट को हेल्प पहुँचे, सोशल और रूरल डेवलपमेंट हो. देन नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू थ्री कैटेगरी. क्या करें, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो 1976 का सोशल फॉरेस्ट्री को तीन कैटेगरी में बांटा है. पहला है अर्बन फॉरेस्ट्री, दूसरा है रूरल फॉरेस्ट्री, तीसरा है फार्म फॉरेस्ट्री. अर्बन फॉरेस्ट्री पर्टेंस टू द रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज एंड ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड इन एंड अराउंड द अर्बन सेंटर सच एज ग्रीन बेल्ट पार्क, रोड साइड एवेन्यू, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रीन ETC. क्या करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या आता है, तो रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्री, पेड़ को लगाना, उसको मैनेज करना ना पब्लिक और प्राइवेटली ओन्ड लैंड, तो जो या तो पब्लिक लैंड पर सरकारी जमीन पर या फिर अपने जमीन पर प्राइवेट जमीन पर अर्बन सेंटर के आसपास. रूरल फॉरेस्ट्री एम्फेसाइज ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री. क्या अगर रूरल फॉरेस्ट्री को दो तरीके से बांट सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि खेती के साथ साथ जंगल करना और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक है, मतलब कि कम्युनिटी के लोग मिल करके एक लैंड दें और उस पर फॉरेस्ट्री किया जाए, जंगल बनाया जाए. एग्रो फॉरेस्ट्री द रेजिंग ऑफ ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप इन द सेम लैंड. क्या कह रहा है कि एक ही जमीन पर है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री द रेजिंग ऑफ ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप इन द सेम लैंड इंक्लूडिंग द वेस्ट पैसेज. इट कम्बाइंस फॉरेस्ट्री विथ एग्रीकल्चर. क्या करें कि जो फॉरेस्ट्री को कम्बाइन करता है एग्रीकल्चर के साथ, दस अल्टरिंग द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ फूड. तो इससे क्या होता है कि एक ही साथ फूड का भी प्रोडक्शन होता है, फॉडर का भी प्रोडक्शन होता है, फ्यूल, टिम्बर, सब कुछ का प्रोडक्शन हो जाता है. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स द रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड. क्या करें, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि पेड़ को लगाना कहाँ, तो पब्लिक लैंड पर या कम्युनिटी लैंड पर, जैसे विलेज का जो पास्चर जमीन है, टेम्पल का जमीन है, रोड का जो जमीन है वहाँ पर, कैनाल बैंक, स्ट्राइप्स अलोंग रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन के किनारे एंड स्कूल, ये सब जगह पे पेड़ लगाना कम्युनिटी के पूरे गांव के द्वारा, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बोलेंगे. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम सेम डेट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज अ होल. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से क्या होता है कि पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचता है. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड अ मींस अंडर विच द पीपल ऑफ लैंडलेस क्लासेस कैन एसोसिएट देमसेल्फ विद ट्री रेजिंग एंड दस गॉट बेनिफिट विच अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट ऑन लैंड ओनर्स. क्या कह रहा है कि जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट से उनको फायदा पहुंचेगा जो लैंडलेस क्लास हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, तो उस पर जो है कोई फल देने वाला पौधा लगा करके, है ना, कोई फल देने वाला पेड़, जैसे हमारे यहाँ पे नींबू का पेड़ या संतरा का पेड़ लगा करके उसको बेच करके अपना इनकम थोड़ा सा जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है फार्म फॉरेस्ट्री. तो फार्म फॉरेस्ट्री इज टर्म अप्लाई टू द प्रोसेस अंडर द फार्मर्स ग्रो ट्री फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस ऑन देयर फार्म लैंड. फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखिए फार्म फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री दोनों अंतर है. फार्म फॉरेस्ट्री में क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री पहले हम अभी पढ़े जहाँ पे एग्रीकल्चर का भी काम हो और फॉरेस्ट्री भी हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि फार्मर ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल. फार्मर जो है कमर्शियल पर्पस के लिए, नॉन कमर्शियल पर्पस से अपने फार्मलैंड पे पेड़ को उगाते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर. तो कहकर छोटे और स्मॉल फार्मर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सीडलिंग दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सेवरल लैंड सच एज द मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स, ग्रासलैंड एंड पास्चर्स, लैंड अराउंड होम्स एंड काउ शेड्स में भी यूजफुल टू रेजिंग ट्री. तो ऐसे ऐसे जगहों पर पेड़ को लगाया जाता है, उसको नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है. जैसे जहाँ कहाँ पर लगाएगा, तो मार्जिन्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड मान लीजिए एक फील्ड यहाँ है, दूसरा फील्ड यहाँ है, तो दोनों के बीच में जो मार्जिन बनाया जाता है ना, रास्ता बनाया जाता है ना, उसके ऊपर बनाना, उसके ऊपर पेड़ लगा देना, जो मेड़ होता है बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर पेड़ लगाना, ग्रासलैंड या पास्चर जमीन पे पेड़ लगाना, या फिर घर के आसपास कहीं पेड़ लगा देना, या फिर जहाँ पे गाय बांधा जाता है वहाँ पे पेड़ लगाना, तो ये सब को जो है नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं. अभी एक फार्म फॉरेस्ट्री लेकिन नॉन कमर्शियल वाला. अब पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में. तो कहा जा रहा है कि यू वुड हैव विजिटेड जू एंड मे हैव सीन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ कैप्टिविटी. क्या करें कि आप जंगल, मतलब सॉरी जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए होंगे, और वहाँ पर जानवर को देखे होंगे किस तरीके से वहाँ पर केज में रखा जाता है, पकड़ कैप्चर करके रखा जाता है.
वाइल्ड लाइफ इंडिया इज अ ग्रेट नेचुरल हेरिटेज। तो कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो इंडिया का ग्रेट नेचुरल हेरिटेज है, काफ़ी बड़ा हेरिटेज है बोल सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड डेट अराउंड 4-5% ऑफ ऑल नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन द अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। कहा जा रहा है कि दुनिया में जितना भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाया जाता है उसका 4-5% जो है इंडिया में पाया जाता है। द मेन रीजन फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इन विच द कंट्रीज प्रिजर्व एंड सपोर्टेड थ्रू एजेज। इतना ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है इंडिया में जानवर के बीच में, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ का जमीन भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा का डाइवर्स है। ओवर द ईयर्स देयर हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन डिस्टर्ब बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रिजल्ट देयर नंबर हैव डाउन ड्विंडल सिग्निफिकेंटली। क्या कह रहा है कि जानवर का जो नंबर घटा है पिछले कुछ सालों में, उसका रीज़न क्या है कि आदमी के द्वारा उसके हैबिटेशन को डिस्टर्ब किया गया है। देर आर सर्टेन स्पीसीज दैट आर द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। क्या कह रहा है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज अभी हैं जो एक्सटेंशन के कगार पे हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फॉलो। तो वाइल्ड लाइफ का जो डिक्लाइन हो रहा है उसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजन क्या क्या, तो पहला है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ब्राउट अबाउट अ रैपिड इंक्रीज इन द एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है जिसके कारण से फॉरेस्ट को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मोर एंड मोर लैंड्स वेर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट रोड माइनिंग रिजर्वायर एटीसी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को साफ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, रोड के लिए, माइनिंग के लिए। प्रेशर और फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू द लूपिंग ऑफ फॉडर एंड फ्यूल वुड एंड रिमूवल ऑफ अ स्मॉल टिम्बर बाय द लोकल पीपल। क्या करें कि फॉरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, किस लिए, तो फॉडर के लिए, चारा के लिए, फ्यूल वुड के लिए, मतलब कि लकड़ी के लिए, जलाने के लिए लकड़ी के लिए, और छोटे छोटे लकड़ी से फिर ट्राइबल लोग जो अपना घर वगैरह बनाते हैं उसके लिए। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल काउज एडवर्स इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। तो क्या करें, जानवर के द्वारा ग्रेजिंग कर जाना। हंटिंग वाज टेकन एज अ स्पोर्ट बाय द इलाइट एंड हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर किल्ड इन अ सिंगल हंट। क्या करें कि हंटिंग को पहले जो अमीर लोग होते थे, इलाइट क्लास के लोग होते थे, उनके द्वारा स्पोर्ट के रूप में देखा जाता था, और काफ़ी ज़्यादा एक एक शिकार में जाने पर लोग 100 से ज़्यादा जानवर को मार दिया करते थे। नाउ कमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट। क्या करें कि आज जो कमर्शियल पोचिंग को बंद कर दिया गया है। इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इस कारण से भी बिहार मतलब कि इंडिया में जंगल कम होता जा रहा है। इट इज़ बिंग फेल्ड दैट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द नेशनल एज वेल एज वर्ल्ड हेरिटेज एलॉन्ग द प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म। क्या कह रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है नेशन के लिए तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज के लिए ज़रूरी है, यहाँ तक इसके साथ हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस स्टेप में गवर्नमेंट के द्वारा क्या डायरेक्शन लिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया। क्या कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना इसका एक लंबा ट्रेडिशन रहा है इंडिया में। मैनी स्टोरीज जैसे पंचतंत्र एंड जंगल बुक हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम रिलेटिंग द लवर फॉर द वाइल्ड लाइफ। क्या करें, लव फॉर द वाइल्ड लाइफ। क्या करें कि पंचतंत्र या जंगल बुक, बहुत सारे ऐसे किताब भी हैं, स्टोरीज भी हैं, जिसमें दिखाया गया कि वाइल्ड लाइफ के प्रति किस तरीके से आदमी प्यार करता था। दे प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स, उनके इस किताबों से जो यंग माइंड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है जंगल कंजर्वेशन के प्रति। इन 1972 अ कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इनेक्टेड। क्या करें, 1972 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया था विच प्रोवाइड द मेन लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंडिया। तो क्या करें कि जिसके सहारे इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क मिलता है कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट आर, इस एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट एंड टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द कंजर्वेशन एरिया ऑफ द कंट्री क्लासिफाइड नेशनल पार्क। क्या कह रहा है कि जो सबसे पहला इसका क्या है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इस शेड्यूल में है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल में यहाँ पे जो भी उसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज लिखा गया है उसमें उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना कंजर्वेशन एरिया, कंट्री का जो कंजर्वेशन एरिया है जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी, क्लोज्ड एरिया, उसको कंजर्वेशन के लिए लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दिस एक्ट हैज बीन कंप्रेसली अमेंडेड 1991। इस एक्ट को 91 में अमेंड भी किया गया था, है ना, लाया कब गया था तो 72 में, यहाँ पे नहीं दिया है, अच्छा दिया है 72 में इसको लाया गया था, और 91 में इसको अमेंड भी किया गया है, काफ़ी कई बार इसको अमेंड किया गया, सिर्फ 91 नहीं उसके बाद भी अमेंड किया गया है। मेकिंग पनिशमेंट एंड मोर स्ट्रिंजेंट एंड ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट स्पेसी एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्या कह रहा है कि इससे क्या होता है, अमेंडमेंट करके उसमें पनिशमेंट को जोड़ा गया है, काफ़ी स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा से कड़ा सजा बनाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। देर आर 103 नेशनल पार्क एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री। द कंट्री में देखा जाए तो 103 नेशनल पार्क है और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस कंट्री में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अ वेरी लार्ज एम्बिट विद अनबाउंडेड पोटेंशियल फॉर बींग वेल ह्यूमन काइंड। क्या कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन काफ़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, अनबाउंडेड पोटेंशियल है ह्यूमन काइंड के लिए। हाउ एवर दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूट्स विद। क्या कह रहे हैं कि ये तभी सक्सेस हो सकता है, अचीव हो सकता है, जब हर आदमी यहाँ का ये सोचे और अपना अपना योगदान दे। फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पेशल स्टेप हैव बीन इनिशिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द यूनेस्को।
क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनेस्को मिल करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक प्रोग्राम चला, जिसको मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम बोलते हैं। स्पेशल स्कीम लाइक प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हैव बीन लॉन्च टू कंजर्व दीज स्पेसीज एंड देयर हैबिटेट इन सस्टेनेबल मैनर। प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन इंप्लीमेंटेड से 1973 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इंडिया में जो टाइगर का पॉपुलेशन है उसको बचाना फॉर साइंटिफिक एथिकल कल्चरल इकोलॉजिकल वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू के लिए, धार्मिक वैल्यू के लिए, कल्चरल वैल्यू के लिए, इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए, एंड प्रिजर्व एरिया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड नेचुरल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंजॉयमेंट ऑफ पीपल। और जिस एरिया में बाघ रहते हैं उस एरिया को बचाना नेचुरल हेरिटेज के रूप में, ताकि इस लोगों को बेनिफिट हो सके। इनिशियली द प्रोजेक्ट हैव लॉन्च इन 9 टाइगर रिजर्व कवरिंग ऑफ एरिया ऑफ 16,339 किलोमीटर। क्या करा कि शुरू में प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था, मात्र 9 टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था, 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए इसके तहत, लेकिन अब जो है बढ़ करके 44 यहाँ पे दिया गया है, हालांकि बढ़ करके अब 50 हो चुका है, बुक थोड़ा पुराना होगा इसलिए डाटा अपडेटेड नहीं है, 50 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इंडिया में अभी। द टाइगर पॉपुलेशन द कंट्री हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज फ्रॉम 1411 इन 2006 टू 1076 इन 2010, और अभी 2018 का जो डेटा है, 4 साल पे टाइगर सेंसस होता है, तो 2006 में टाइगर सेंसस हुआ था तो उस समय इतना था, 10 में इतना था, 2018 के टाइगर सेंसस में 2967 टाइगर है, 2967 टाइगर है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1992, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 92 में लॉन्च किया गया था, टू असिस्ट स्टेट हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट, ताकि स्टेट मतलब कि जो स्टेट है राज्य हैं उनको मदद मिल सके एलिफेंट को प्रोटेक्शन के लिए। इट वॉज एम टू इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट एंड द नेचुरल हैबिटेट। द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंट 17 स्टेट में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट है जानवर स्पेसिस, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर हैव बीन आल्सो बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरिया व्हिच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैप। तो क्या करें कि बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनिक साइट होते हैं, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल कोस्टल एरिया, तो दोनों जगह के टेरेस्ट्रियल या कोस्टल एरिया दोनों जगह के इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, और यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम उसके तहत भी इसको शामिल किया जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व एम एंड अचीविंग 3 ऑब्जेक्टिव, इसका 3 ऑब्जेक्टिव है, पहला कंजर्वेशन डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक। तो क्या करें, पहला कंजर्वेशन है इसका, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम, एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट, और तीसरा क्या, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, है ना, तीन टारगेट इसके तहत आता है अचीव करने के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, कह रहा है कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसमें 10 बायो रिजर्व जो है मैप के अंदर आता है, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लिस्ट 18 बायोस्फीयर रिजर्व का, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे याद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे लिस्ट में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका एरिया 5520 किलोमीटर, बगल में जो एरिया दिया है मतलब बगल में जो ब्रैकेट में दिया है वो एरिया लिखा गया है, इसलिए इसको बनाया गया था 1986 में ही बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो वायनाड का पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली, सिरुवानी हिल्स, तो ये सब एरिया इसके आते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, इसके अंदर आते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क 88 में बनाया गया था, तो उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मिल रही है नंदा देवी नेशनल पार्क सिचुएटेड, एक नेशनल पार्क में, ठीक है, यहाँ पे जैसे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, उसके बाद फिर और भी कई तरह के जो होते हैं, है ना, वो पाए जाते हैं, खास करके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें पाए जाते हैं। तो नेशनल पार्क अलग चीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग चीज़ है, और सबको मिला करके मतलब एक एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा एरिया होता है इस दोनों से, तो बायोस्फीयर रिजर्व, इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन पाए जाते हैं, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के हैं, तो नंदा देवी याद रखिए उत्तराखंड में। उसके अलावा नौकरेक मेघालय में है, 1988 में इसको भी बनाया गया था, नौकरेक जो है मेघालय में, मानस असम में है, तो काफ़ी फेमस भी है, इसमें कोकराझार, बारपेटा, ये सब डिस्ट्रिक्ट के जो आते हैं वहाँ पे नेशनल पार्क। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी का नॉर्थ में, तमिलनाडु के साउथ में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू सैखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है असम में है, डिब्रू सैखोवा असम में है। उसके अलावा देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, ये बायोस्फीयर रिजर्व सब है। कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्ता मलाई केरला में है, अगस्ता मलाई केरला में है, अचानक मार अमरकंटक के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों इलाके में, कच्छ तो गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट तो हिमाचल प्रदेश में है,
सॉरी कोल्ड डेजर्ट जो है हाँ हिमाचल प्रदेश में होगा और हल्का सा लद्दाख में भी इसका हिस्सा आता है। सेसाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में। तो याद रखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसमें जो आपको बोल्ड में दिख रहा है, हाँ जो बोल्ड में दिख रहा है ना, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, माना, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेटर निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अमरकंटक अचनकमार, ठीक है। 10 जो है मैब के अंदर आते हैं, 18 जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें 10 मैब के अंदर आते हैं। मैब क्या है, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया के में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी भी उतना ही है, ठीक है। यहाँ पर उसी चीज़ को मैप में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 18 है ना, तो नंदा देवी एक हो गया, उत्तराखंड में नंदा देवी है। उसके बाद आता है सिक्किम में कंचनजंगा मिलेगा आपको, 2। फिर उसके बाद मिलेगा डिब्रू सैखोवा आसाम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद मानस, नौकरेक, तो इधर हो गया 5-6 तक हो गया इधर, है ना। उसके बाद 7 नंबर है सिमलीपाल, सुंदरबन 8, पंचमढ़ी 9, अचनकमार अमरकंटक 10, नीलगिरी 11, अगस्ता मिलाई 12, गल्फ ऑफ मन्नार 13, इधर यदि आते हैं तो कच्छ का इसमें नहीं दिया है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट का नहीं दिया, बहुत सारा इसमें नहीं दिखाया भी है, ठीक है। तो 13 इसमें दिखाया गया, उसके अलावा यहाँ पर कच्छ हो, कच्छ का वाला होगा, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ फिर और भी 2-3 छूट रहा है यहाँ पर, शायद सेसाचलम आंध्र प्रदेश का नहीं दिया है ना, आंध्र प्रदेश में सेसाचलम होगा इधर। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में पन्ना है, वो नहीं दिया है, ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सबका यहाँ पे लोकेशन भी हम देखें एक बार, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी कर्नाटका में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका तीनों का जहाँ पर मिक्सचर होता है ना, तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, नौकरेक जो है मेघालय में है, नौकरेक मेघालय में, मानस आसाम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सैखोवा आसाम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्ता मलाई केरला में है, अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, कक्ष जो है गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, सेसाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व इस तरीके से है, ठीक है। तो 10 बायोस्फीयर जिसमें यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क मतलब मैप के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, तो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व द फर्स्ट ऑफ द 14 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द इंडिया। क्या करें कि इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उस पहले 14 ही थे, इसलिए यहाँ पे 14 बायोस्फीयर लिख दिया, बुक अपडेटेड नहीं करता है एनसीईआरटी जल्दी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, मतलब कि पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1986 में, इसको बनाया गया था। इट इम्प्रेसेज द सेंचुअरी कॉम्प्लेक्स ऑफ वायनाड, तो वायनाड में जो भी सेंचुअरी है, नागर होल में, बांदीपुर में, मुदुमलाई में, और इंटायर फॉरेस्ट हिल ऑफ नीलांबुर, अपर नीलगिरी हिल प्लेटू, साइलेंट वैली केरला में पाया जाता है, ठीक है। एंड सिरुवानी हिल, द टोटल एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज 5520 स्क्वायर किलोमीटर। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पॉसेस द डिफरेंट हैबिटेट टाइप, इसमें काफ़ी डिफरेंट हैबिटेट है, अनस्पॉइल्ड एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टाइप एंड सेवरल ड्राई स्क्रब, इसमें और भी कई तरह के पाए जाते हैं। इसमें 16 फॉरेस्ट भी है, 16 फॉरेस्ट क्या होता है, तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि नीलगिरी एरिया में जो है फॉरेस्ट को 16 कहा जाता है, और कई ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर इंडेजर्ड एनिमल का स्पेसिस पाया जाता है, जैसे नीलगिरी ताहर, नायल, टेल्ड मकाऊ, ये सब यहाँ पाया जाता है। द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट जो है इंडिया में हाथी का पॉपुलेशन साउथ इंडिया में ज़्यादा है, तो भी नीलगिरी के एरिया में पाए जाते हैं। टाइगर भी पाया जाता है, गौर, सांभर, चीतल, ये सब इस एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के लकड़ी भी, मतलब कई तरह के पेड़ भी इस एरिया में पाए जाते हैं, जो इसी तरह के एंडेमिक हैं। द हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप, इसमें कई तरह के ट्राइबल ग्रुप भी रहते हैं। द टोपोग्राफी ऑफ NBR इज एक्सट्रीमली वेरिड, क्या करें NBR नीलगिरी बायोस्फीयर का जो टोपोग्राफी है काफ़ी ज़्यादा वेरिड है, रेंजिंग फ्रॉम एल्टीट्यूड 250 मीटर टू 2650 मीटर, मतलब कि यहाँ पे 250 मीटर से हाइट से लेकर के 2600 मीटर के हाइट से एरिया के पाए जाते हैं। अबाउट 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट अकर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी जो है नाम रखा गया है, इसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे एक फूल उगता है नील कुरुंजी, ठीक है, जो 12 साल में एक बार उगता है, 12 साल में एक बार, मतलब लाइफ में एक ही बार वो फ्लावर, मतलब कि उस पर फूल आता है और 12 साल में एक बार आता है, मतलब कि एक पौधा 12 साल में एक बार फूल दिया उसके बाद डेड कर जाता है। तो नीलगिरी का जो पहाड़ है उसके ऊपर नीलकुरुंजी का फूल उगता है, ठीक है, तो उसी फूल के नाम पे इसका नीलगिरी रखा गया है। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन उत्तराखंड, इंक्लूड चमोली डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, है ना। द मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ रिजर्व्स आर टेम्परेट, ये सर जो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द फ्यू इंपॉर्टेंट स्पेसीज आर सिल्वर बीड, ऑर्चाइड्स ऑफ लैटीफॉल एंड रोटोडेंड्रम। द बायोस्फीयर रिजर्व है रिच फौना, फॉर एग्जाम्पल क्या करें इसमें फौना, मतलब कि इधर जानवर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, पेड़ तो उतना नहीं पाए जाते हैं लेकिन जानवर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्नो लेपर्ड है, ब्लैक बियर है, उसके बाद ब्राउन बियर है, मस्क डियर है,
ठीक है, ये सब इधर पाया जाता है। ब्लैक ईगल मेजर थ्रेट टू इकोसिस्टम आर द कलेक्शन ऑफ इंडेजेंट प्लांट फॉर मेडिसिनल यूज, फॉरेस्ट फायरिंग, फॉरेस्ट फायर पोचिंग। तो इधर का मतलब कि डर क्या है, इधर जो है मतलब कि जंगल का डर किस चीज़ से है, तो मेडिसिनल यूज के लिए यहाँ पर डिफरेंट प्लांट को काटा जाता है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर पोचिंग होना। नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, तो सुंदरबन वाला इलाका वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जहाँ पर गंगा का डेल्टा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ पर डेल्टा बनता है। इट एक्सटेंड ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ 963 स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो है। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्टेड आइलैंड है सुंदरबन, होम नियरली टू 200 रॉयल बंगाल टाइगर, क्या कह रहे हैं, लगभग 200 बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, उसका घर सुंदरबन इलाका ही है। द टैंगल्ड मास ऑफ रूट ऑफ मैंग्रोव ट्रीज प्रोवाइड सेफ होम फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज, क्या कह रहे हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो रूफ होता रूट है का मतलब कि मैंग्रोव ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज के लिए घर प्रोवाइड करता है। फिश का भी यहाँ पे घर प्रोवाइड मतलब घर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मछली से एरिया पाया जाता है। मोर देन 170 बर्ड स्पेसीज नोन टू इनहेबिटेड मैंग्रोव फॉरेस्ट, लगभग 170 बर्ड स्पेसीज है सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में पाए जाते हैं। अडेप्टिंग इट्स टू द सेलाइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, द टाइगर एट द पार्क आर गुड स्विमर, क्या कह रहा है कि जो नॉर्मली जो टाइगर होते हैं स्विमर नहीं होते, लेकिन सुंदरबन एरिया इलाके में जो टाइगर पाए जाते हैं स्विमर होते हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरबन इलाके में रहने के कारण अपने आप को उस एरिया के हिसाब से अडेप्ट कर लिए, उन्हें तैरना सीख गए हैं। एंड दे हंट स्केयर्स प्रे सच एज चीतल डियर, क्या कह रहा है कि काफ़ी जो कम मात्रा में पाया जाता है ऐसे प्रे को भी ये लोग मतलब कि जिधर के टाइगर हैं उसको हंट कर लेते हैं, चीतल डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग एंड इवन मकाऊ। इन द सुंदरबन द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर करेक्टराइज बाय हेरिटेरिया फॉर्म्स अ स्पेशल वैल्यूड फॉर्म ऑफ टिम्बर, क्या कह रहे हैं कि टिम्बर का एक स्पेशल वैल्यूड फॉर्म है, ठीक है, हेरिटेरिया फॉर्म्स, तो उसका भी सुंदरबन में उगाया जाता है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु के नीचे पाया जाता है। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कवर एरिया ऑफ 105,000 हेक्टेयर ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फॉर द मैराइन बायोडायवर्सिटी, क्या अगर मैराइन बायोडायवर्सिटी के लिए दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन है। द बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट 21 आइलैंड विथ एस्चुरी, इसमें 21 आइलैंड, इसमें कई एस्चुरी है, बीचेज हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है, सी ग्रासेज, कोरल रीफ एंड साल्ट मार्श एंड मैग्रोव्स। अमंग द गल्फ ऑफ 36,000 प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर द ग्लोबली इंडेंजर्ड, क्या करें इसमें जो भी जानवर पाया जाता है उसमें से 3600 प्लांट एनिमल तो इंडेंजर्ड है, जैसे सी काउ को डुगोन भी बोला जाता है। बिसाइड 6 मैंग्रोव स्पेसीज इंडेमिक टू पेनिनसुला इंडिया ऑल्सो इंडेंजर्ड, क्या करें इसमें और भी कई इंडेंजर्ड स्पेसीज पाए जाते हैं, इंडेंजर्ड मतलब कि जो खतरे में है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे जो MCQ दिया हुआ है कुछ उसको आप सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। तो 5 MCQ है, पहला है कि सैंडलवुड इज एन एग्जांपल ऑफ, सैंडलवुड किस एरिया में पाया जाता है, एवरग्रीन डेसीडियस, डेल्टाई के थॉर्नी। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।